And these are images that we are getting to you of Prime Minister Narendra Modi waving to devotees as he arrives at the Mahakal corridor. I quickly want to cut across to my colleague Shubhankar Mishra joining me for more. Shubhankar, kis tarah ka utsah hai logo mein? Pradhanmantri Narendra Modi pahunch rahe hain ab. कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पहुंचे हैं. शुभांकर गौरव, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं तस्वीरों के जरिए. देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफिला जो है वो यहां पहुंच चुका है. तो समय से पहले प्रधानमंत्री काफिला यहां पहुंच गया है. ये आज तक पर इंडिया टुडे पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त. ये जो काफिला जा रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यही वो रोड है जिसके जरिए प्रधानमंत्री काफिला जो था वो पहुंचा था. और अब यहां से जो गाड़ियां हैं वो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की तरफ जा रही है. यहां से प्रधानमंत्री सीधे जाकर महाकाल के दर्शन करेंगी. जो गाड़ियां जाती हुई नजर आ रही है आपको, ये सभी गाड़ियां सीधे महाकाल मंदिर की तरफ जा रही है और प्रधानमंत्री वहां जाकर दर्शन करेंगे. उस दर्शन के बाद वो यहां लौटेंगे. जो माहौल की बात आपने गौरवपुर से पूछी थी, जरा तस्वीरें दिखाइए. ये देखिए, ये यहां पर जो हुजूम है, ये देखिए लोगों की भीड़ जो है वो छतों पर बैठी हुई है. अगर आप देखेंगे गौरव, और ये महाकाल की नगरी है. कहा जाता है कि आकाश एक बार लोग भी जाते. गौरव देखिए, ये कहते हैं कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग, और धरती पर महाकालेश्वर से जो बढ़कर कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है. वो तस्वीर देखिए आप ऊपर, वो देखिए लोगों का हुजूम जो है, उत्साह देखिए. उत्साह जो है वो जबरदस्त तरीके से है. और अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ चुके हैं, 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब महाकाल कॉरिडोर में वो आएंगे. नंदी गेट पर वो जाएंगे और नंदी गेट से इस पहले चरण का वो यहां पर उद्घाटन करने वाले हैं. तकरीबन 350 करोड़ के बजट से ये पहला कॉरिडोर का चरण बनाया गया है. ये तस्वीरें भी अगर संभव हो सके, क्योंकि यहां पर मीडिया को अनुमति आगे जाने की नहीं दी गई है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. वो देखिए, दूर जो आपको वो बड़ा एक गेट नजर आ रहा है वही महाकाल कॉरिडोर है. और मैं अपने कैमरा पर्सन सत्या से रिक्वेस्ट करूंगा अगर यहां से वो जूम कर सकें. जो वो नंदी दूर आपको नजर आ रहे हैं वही नंदी गेट है जहां पर अब से थोड़े क्षण बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, और इसी नंदी गेट से यहां पर महाकाल कॉरिडोर की शुरुआत हो जाएगी. 2.8 हेक्टेयर में महाकाल कॉरिडोर था, लेकिन अब ये बढ़कर हो जाएगा तकरीबन 20 हेक्टेयर, और जब संपूर्ण बनकर तैयार होगा तो ये 40 हेक्टेयर हो जाएगा. लेकिन ये उत्साह, ये जुनून, ये आज उज्जैन की तस्वीर है. आध्यात्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, लेकिन काशी के बाद जब एक और कॉरिडोर बनता है जो काशी कॉरिडोर से कई गुना ज्यादा बड़ा है, तो फिर ये उत्साह जो है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है. एक बार लोग उत्साह जबरदस्त है इस समय श्रद्धालुओं में भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां पहुंचने भी वाले हैं. लेकिन जीवन किस तरह से लोगों का यहां परिवर्तित होगा, उसमें क्या परिवर्तन आएगा, क्योंकि पहले भी तो यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, अब भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए अलग क्या है? शुभांकर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी गौरव, की आ रही आवाज गौरव. तो देखिए गौरव, जो सवाल आपने पूछा कि लोगों के लिए अलग क्या है, यहां बाहर ये भीड़ देखकर आप ये अंदाजा लगा चुके होंगे कि यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है. महाकाल के दर्शन करने लोग पहले भी आते थे, लेकिन अब जब कॉरिडोर जो है वो काफी बड़ा हो गया है, और उसके बाद भीड़ को देखने के लिए यहां पर पार्किंग सिस्टम बनाई गई है. 650 से लेकर 2500 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है, और उसका मतलब ये हो जाता है कि तकरीबन 10 लाख लोग हर रोज यहां पर आकर आसानी से दर्शन कर सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी. अब आप गौरव अंदाजा लगाइए कि अगर 10 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं तो महाकाल जिसके नाम में इतनी भव्यता है वो और कितना ज्यादा भव्य हो जाएगा. और यही भव्यता आपको यहां शोर में नजर आ रही है. इतना ज्यादा शोर मेरे पीछे है कि आपके सवालों को सुनने में भी दिक्कत हो रही है मुझे, और जवाब देने में भी मुझे थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है. लेकिन कुल मिलाकर व्यवस्थाएं जो है वो उसमें दो चीजों का ख्याल रखा गया. एक, इनकी पौराणिकता जो है उसे बनाया जाए, और पौराणिक चीजों के साथ साथ आधुनिक तकनीक का जो इस्तेमाल किया गया है, तो ये पौराणिक तकनीक और आधुनिकता का संगम है, और इसी को आप कह सकते हैं महाकाल कॉरिडोर जो है वो उसको चार चांद लगाता है, खूबसूरत बनाता है, और
बहुत कुछ यहाँ पर है। आप यहाँ जाकर कमल कुंड देखिए क्या भव्यता है, आप ऋषि कुंड देखिए क्या भव्यता है, आप यहाँ पर दीवारों को देखिए, 900 मीटर की दीवार बनाई गई है, 35 फीट ऊंची, तमाम कलाकृतियों का इस्तेमाल कर दिया गया है। यहाँ पर हर एक मूर्ति के कई सारे ऐसी जहाँ मूर्तियां हैं जिनके नीचे QR कोड लगाया गया है, ताकि आप अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे स्कैन कीजिए और उस मूर्ति के बारे में, उसके बारे में पौराणिक कहानियों को आप चाहे तो ऑडियो के जरिए या विजुअल के जरिए सुन सकते हैं। तो जो बार बार हम कह रहे हैं कि आधुनिकता का इस्तेमाल किया गया है, आधुनिक तकनीक है और उसमें पौराणिक ग्रंथों में लिखी बातें जो है, और इन दोनों का समागम जो है वो महाकाल कॉरिडोर में है, जिसको आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री फिलहाल यहां पहुंच चुके हैं, महाकाल के दर्शन करने गए हैं, हो सकता है थोड़ी देर में तस्वीरें भी आ जाए दर्शन करने की उनकी। उसके आधे घंटे के बाद तकरीबन 6:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे नंदी गेट पर, और नंदी गेट पर जनता को, मध्य प्रदेश को समर्पित कर देंगे महाकाल कॉरिडोर।